हेलो फ्रेंड्स, इंपैक्ट पैरामेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए होते हैं ट्वेल्थ में बेसिस हो जिसमें आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकें, इसका आगे जाके आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से वर्क एरियाज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, या कौन और आपको ईयरली आपकी कितनी इनकम होगी एब्रॉड में या इंडिया में, और अभी जो भी आपका जो टाइम चल रहा है इसमें फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी इज अ इंडिपेंडेंट हेल्थ प्रोफेशन जिसके अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पेशेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। पेशेंट जो वेरियस तरह की इंजरीज होती हैं पेशेंट को, उनका क्योर, ट्रीट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो इसके अंदर आप पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो इसके अंदर आपको 12th क्लास में आपको बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, 50% आपको इसके अंदर परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया यही होता है फिजियोथेरेपी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अब आते हैं आगे इसका कोर्स। तो फिजियोथेरेपी कोर्स 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 साल 6 महीने का कोर्स होता है, जिसके अंदर जो 4 इयर्स होते हैं वो कॉलेज में आपकी, इसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपकी रोज की थ्योरी क्लासेस वगैरह होती हैं, अगर पोस्टिंग्स वेरियस हॉस्पिटल में पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं, प्लस इसमें जो लास्ट के 6 मंथ है उसके अंदर जो 6 महीने की आपकी एक बड़े रेप्यूटेड किसी भी हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप होती है। तो टोटल कोर्स होता है 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स का। तो अब आते हैं इसकी स्पेशलाइजेशन पे। इसके जैसे और जितने भी हमारे पैरामेडिकल कोर्स हैं, मेडिकल कोर्स हैं, उनकी भी स्पेशलाइजेशन इसी तरह से इस कोर्स की भी आपकी स्पेशलाइजेशन होती है बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में एंड एरियाज में। जैसे हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, इसमें एमपीटी होती है, इसको हम एमपीटी कहते हैं, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। इसके अंदर हमारा आता है न्यूरो में आप एमपीटी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स को दिक्कतें होती हैं उनको रिहैबिलिटेट करा सकते हैं। कार्डियो से रिलेटेड होती है, इसको हम कार्डियो एमपीटी कहते हैं, इसके अंदर पेशेंट को कार्डियो से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जो भी पेशेंट को रिहैबिलिटेशन करानी होती है इसके अंदर आप मास्टरी कर सकते हैं। ऐसी पीडियाट्रिक बच्चों के लिए भी फिजियोथेरेपी चाहिए होती है, उनके लिए भी एक मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, हम पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कहते हैं। ऐसी और भी कोर्सेज होते हैं, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, ऑब्स एंड बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं आप। देखते होंगे कि जो हमारे जितने भी क्रिकेट्स हैं, फुटबॉल हैं, इनमें भी फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है मास्टर्स इन स्पोर्ट्स। तो ये सब होते हैं इसके स्पेशलाइजेशन। अब आते हैं हम इसके स्कोप पे, या तो जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, आप क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, अपना क्लिनिक इंडिपेंडेंटली खोल सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं, जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड और भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उन सब में आप जॉब कर सकते हैं। इसमें MNC में भी जा सकते हैं, जैसे बहुत सारी MNCs हैं वो भी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करती हैं, क्योंकि MNC में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अर्गोनॉमिक्स के लिए, यानी उनके जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कि उनको बैठने का तरीका, उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उनके कंप्यूटर की हाइट कैसे होनी चाहिए, उनका सिटिंग पोस्चर, उनकी चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब उनकी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंजरी कम करने के लिए MNC जो कंपनीज होती हैं वो भी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करती हैं। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट अभी करेंटली जो हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं पर पर्सन, यानी पर 10,000 पर्सन्स पे एक फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, और ये रिक्वायरमेंट साल बाय साल बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं करंट स्टैट्स की बात करूँ तो पर ईयर 7% ग्रोथ हो रही है फिजियोथेरेपिस्ट की पर 10,000 पीपल के लिए हमें। तो अब आते हैं सैलरी पे। तो इन इंडिया, यहाँ पे भारत में इनकी जो सैलरी एनुअल पैकेज हमारा 4 लाख से 5 लाख से स्टार्ट होता है, और अगर आप बाहर देशों में जाएंगे, कनाडा और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जाएंगे तो इनका यहाँ पैकेज $80,000 पर ईयर आप कमा सकते हैं।
और यहाँ पे भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में भी प्राइवेट प्रैक्टिस है, आप पर एनम में स्टार्टिंग आप 7 to 8 lakh पर एनम कमा सकते हैं। सो होप कि आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो जो भी सवाल हैं वो आपके मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और आगे इसके बारे में जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।